देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। देश में ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल हो रहा है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बखूबी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हुई। इस दौरान विकास प्राधिकरण ने खेले खोमचा में व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को कुछ दिनों तक व्यापार बंद करने के लिए कहा, जिससे प्रवासी भारतीयों और उद्योगपतियों को शहर की गरीबी ना दिखे। खेल एवं कुमकुम व्यापार करने वाले व्यापारियों को कहा गया था कि सम्मेलन के पश्चात आप लोगों को व्यापार करने की इजाजत मिल जाएगी, किंतु प्राधिकरण और नगर निगम ने अपनी बात से मुकरते हुए अब लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर 20-20 वर्षों से खेले खोमचा में व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को वापस से व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंदौर की स्कीम नंबर 140 में तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने 20 वर्षों से लगने वाली चाट चौपाटी को हटाने के लिए यहां पर सड़क किनारे से दीवार खड़ी कर दी है, जिससे चौपाटी में अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। किस बात को लेकर चौपाटी के 80 से अधिक दुकानदारों एवं यहां पर काम करने वाले मजदूर लोग बेरोजगार हो गए हैं और पिछले 6 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए प्राधिकरण एवं नगर निगम से तथा जिला प्रशासन से वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। चाट चौपाटी के विक्रेताओं ने बताया कि यदि उन्हें अति शीघ्र वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया तो कुछ व्यापारी गंभीर आर्थिक स्थिति के चलते आत्महत्या तक कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमको कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए। क्या अब आईडी ने पूरा पैक कर दिया है? क्या हम सब बेरोजगार हो गए? क्या कम से कम 50-60 घर के लोग अब पूरे बेरोजगार हो गए हम लोग? क्या तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं ना था क्या कि कहीं हमको दूसरी जगह दे दिया जाए। क्या स्थान कहाँ पर है? क्या है मतलब ये 140 चार चौपाटी है? क्या अपने कब से चौपाटी लग रही है यहाँ पर? ये कम से कम है ना, नहीं माने माने अपने 18-20 साल के लगभग होने आ गए। पहले ये लगती थी वो तलाव किनारे, उसके बाद फिर इधर शिफ्ट हुई है। कितने व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते हैं? यहाँ पर कम से कम 50-60 ठेले लगते सर। और अभी कब हटा है या दीवार बनी है? अभी दीवार जब से उठी है आज से, आज ये 5वां 6ठा दिन है क्या, सभी बेरोजगार हो धरने पर सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। आईडिया अंदर रोजगार करने से मना कर रहा है, कामकाज करने से? पूरा पेकी कर दिया ना सर, पूरा पेकी कर दिया। अब जनता आएगी नहीं तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? कहीं वैकल्पिक स्थान की मांग आपने की है? सर दिया, हमने बोला उनको क्या अधिकारियों ने आश्वासन दिया या कहीं स्थान को? सबने आश्वासन दिया कि हाँ देखते हैं कहीं नुजुल की जगह मिले तो देखते हैं, कहीं नुजुल की जगह मिलती हो देखते हैं क्या, बाकी कहीं इनको मिल रही नहीं है अभी। अभी कोई कंफर्म नहीं करा कि कहाँ पर देंगे? हमने इनको बोला है कि भाई जहाँ हाट भराता है वो हफ्ते में एक दिन हाट भराता सोमवार के दिन, वो बाकी वो दिन वो जगह खाली रहती है, तो वो जगह हमको दे दो आप। वो हफ्ते में जो सोमवार का हाट भराता उस दिन हम दुकान मंगल रख ले करेंगे। पिछले 6 दिनों से आपका रोजगार बंद है तो किस तरह से घर परिवार प्रभावित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान हो रहे हम, बतला नहीं सकते क्या, इतने परेशान हो रहे हैं सब क्या कि कुछ बतला ही नहीं सकते। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आत्महत्या वगैरह नहीं कर ले। कोई जनप्रतिनिधि को शिकायत किया आपने इस मामले में? सबको करा, हमारे जो पार्षद महोदय हैं उनको भी बोला, यहाँ के राजू जैन जी को, और दूसरा अपने मेहन बाबा जी को भी बोला है क्या, और महापौर जी को भी बोला है, सभी लोगों को मतलब लगभग हमने आवेदन निवेदन करा है हमने। हम यहाँ 140 में ठेले लगाते थे सभी लोग, हम करीबन 6 दिन से यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हमने महेन आलिया जी, विधायक जी, पार्षद जी, महापौर जी सभी को हमने आवेदन दिए हैं, लेटर देकर आए थे कि हमें कहीं स्थापित किया जाए, वैकल्पिक जगह दी जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं, ना हमें बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और आज हम 6 दिन से सब लोग बैठे हैं, आर्थिक स्थिति से पहले से ही कमजोर थे, कोरोना के मारे अभी उठे थे, और फिर हम यहाँ बैठे, आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर हो चुकी है, किसी पर लोन चल रहा है, किसी पर क्या चल रहा है, सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे। अगर यहाँ पर हम
दुकानें हमें कहीं विकल्पित जगह नहीं दी जाएगी तो हम क्या करेंगे। विकास प्राधिकरण अध्यक्ष चावड़ा जी से बात की है इस विषय पर? हमने चावड़ा जी से अभी बात नहीं की, हमने महापौर जी से बात करी थी। महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं चावड़ा जी से बात करके बताता हूँ आपको। कमिश्नर मैडम के पास गए थे, मैडम ने बोला कि मैं अभी ये सबमिट चल रहा है, 12 तारीख बाद आप मेरे पास आना, उसके बाद मैं आपको लिए कहीं जगह देख कर बता दूंगी, प्रशासन आपके लिए जगह देगा। आप धरना दे रहे हैं, आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठेंगे। हम बिल्कुल शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बस एक ही मांग है कि हमें कहीं विकल्पित जगह दी जाए और हम सभी लोगों का आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आए।